गाड़ी जो है 60 क्रॉस कर चुकी है, पेट्रोल पे है, पर कोई खास जिसे कहते हैं ना पावर में पंच मिलता है ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार स्कूल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं शेवरले एवियो युवा का। ये आप युवा का 2011 मॉडल देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कार काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये कार टोटल 80,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और अभी तक इसके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी ये कार चलने में कैसी है वो हम आपको ड्राइव करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड हैंड युवा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड कार आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। 2011 मॉडल आपको 60 से 70 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। गाड़ी के माइलेज की बात करें तो 10 से 14 के बीच में माइलेज देती है ये पेट्रोल पे, और कुछ ऐसी दिखती है कार फ्रंट से। अगर आप युवा का डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पे स्क्रैच लगे हुए हैं और एक होल रखा है बम्पर में। युवा की बॉडी की बात करें तो काफ़ी मजबूत बॉडी मिल जाती है हमें इसके अंदर, जिसकी वजह से गाड़ी का पिकअप थोड़ा कम है। तो अब आपको इसका बूट खोल के दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट। इसमें हमें मिल जाता है 220 लीटर का बूट स्पेस, तो बूट स्पेस जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है। गाड़ी के मेंटेनेंस की बात करें तो वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इसके पार्ट्स इजीली मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो अब आपको इसका पैसेंजर साइड डोर खोल के दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका पैसेंजर साइड डोर। एलटी वेरिएंट में हमें पीछे पावर विंडोज मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी में स्पेस ठीक ठाक है। आगे की सीट जो है वो 5'10" के हिसाब से एडजस्ट है, पर तब भी काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर। थाई सपोर्ट ठीक ठाक मिल जाता है। और हेड स्पेस की बात करें, इतना सा हेड स्पेस बचा है। 6 फीट के बंदे को थोड़ी दिक्कत होगी बैठने में। और पीछे बात करें तो पीछे 2 लोग और 1 बच्चा आराम से बैठ जाएंगे, 3 एडल्ट्स को बैठने में दिक्कत होगी। सेंटर का हम्प ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, बोतल होल्डर हो गया और स्प्लिट सीट है पीछे की। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। गाड़ी के सर्विस कॉस्ट की बात करें तो 2.5 से 3 हज़ार के बीच में इसका सर्विस कॉस्ट आ जाता है। तो अब आपको इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। गेट्स पे हमें फैब्रिक फिनिश मिल जाती है। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स और ये हैं साइड मिरर के कंट्रोल्स। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आगे भी स्पेस ठीक ठाक है, मेरी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट हो रखी है। और ये है इसका 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील। बाकी ये इसका डैशबोर्ड है और ये इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है कैनवुड का। तो एक बार ऑन कर लेते हैं गाड़ी को। और ये जो आप कार देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेट्रोल है। तो ये स्टार्ट हो चुकी है। ये इसके एसी के वेंट्स हैं, हेडजेट लाइट का स्विच, और ये है इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। तो आगे में स्पीकर्स हैं इसके गेट्स में। बाकी ये इसका एसी है और एसी जो है काफी अच्छा कूल कर रहा है। 2 ग्लास होल्डर हैं, ये कॉइन होल्डर, 12V का चार्जिंग सॉकेट, बाकी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो चलिए फिर इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है ऊपर में और यहाँ पे नीचे में। तो 2 ग्लव बॉक्स हैं इसके अंदर और ये है इसकी क्लॉक। तो चलिए फिर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बंद करते हैं और अब स्टार्ट करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, काफ़ी स्मूथली स्टार्ट हो गई गाड़ी और फिलहाल आइडल कंडीशन में है। गाड़ी का एसी ऑन है पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है।
ना ही हैंडल में और ना ही गियर लीवर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी लॉक हो गई है, तो सीट बेल्ट पहन लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए फिर इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। ये हमने फर्स्ट गियर डाला और हैंड ब्रेक डाउन कर दिया। तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, थोड़ा सा हार्ड है। और हॉर्न सिर्फ सेंटर में बज रहा है, साइड में नहीं बज रहा है। ये जो कार है ये टोटल 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, जैसा कि आप ऑडोमीटर में देख रहे होंगे। तो इनिशियल पिकअप की गाड़ी की बात करें तो लीनियर सा पिकअप आ रहा है। ये स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर से जो है काफी आसानी से निकल गई गाड़ी और अंदर कोई खास झटका महसूस नहीं हुआ। ये एक और स्पीड ब्रेकर है, तो इससे भी काफी आसानी से निकल गई। और ये छोटा सा झटका देख लेते हैं, तो छोटे मोटे बम्प्स का इतना कोई खास पता नहीं लगता है गाड़ी के अंदर, काफी इजीली निकल जा रही है। तो यहां से टर्न लेते हैं, तो यहाँ पे पीछे भी एक गड्ढा था, उससे भी काफी इजीली निकल गई गाड़ी। और विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी गाड़ी में काफी अच्छी मिल जाती है। ये एक गड्ढा है आगे बड़ा सा, इस पे देख लेते हैं। तो सस्पेंशन जो है गाड़ी का ठीक है और काफी सस्ती मिल जाती है सेकेंड हैंड युवा की बात करें तो। फोर सिलेंडर इंजन है गाड़ी का और इंजन की साउंड जो है वो आपको कैबिन में महसूस होगी, जैसा कि आप सुन भी पा रहे होंगे। बाकी एक बार हाई आरपीएम में इसका 0-60 टेस्ट वगैरह करेंगे तो पता लग जाएगा कि अंदर साउंड आती है या नहीं आती इंजन की, फिलहाल तो आ रही है। और कैबिन जो है काफी साइलेंट है गाड़ी का, काफी साउंड प्रूफ कैबिन है और गाड़ी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। जैसे बॉडी वगैरह की आवाज आने लग जाती है पुरानी गाड़ी होने के बाद, कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है। और बॉडी काफी मजबूत है युवा की, तो पार्ट्स जो है इजीली नहीं मिलते हैं और थोड़े महंगे पार्ट्स हैं। बाकी गाड़ी जो है सेकंड हैंड काफी सस्ती मिल जाती है युवा। तो अब इसका 0-60 टेस्ट करेंगे, यहां से मोड़ लेते हैं। ये चेकिंग चल रही है गाड़ी की, तो चलिए फिर। गाड़ी जो है आइडल कंडीशन में आ चुकी है और ये हमने फर्स्ट गियर डाला, गाड़ी को थोड़ा सा रेव किया और 3-2-1। तो गाड़ी का एसी जो है वो ऑन है और पावर के अंदर कहीं पे भी कोई पंच नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल जिसे कहते हैं लीनियर पिकअप है गाड़ी में। और गाड़ी जो है 60 क्रॉस कर चुकी है, पेट्रोल पे है पर कोई खास जिसे कहते हैं ना पावर में पंच मिलता है ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है। ब्रेकिंग देख लेते हैं, तो ब्रेकिंग भी कोई इतनी खास नहीं है गाड़ी की, ठीक ठाक है। तो इस बार जो है हम इसका एसी बंद करके टेस्ट करेंगे। और अभी रेड लाइट आ चुकी है और जैसा कि आपने सुना था हाई आरपीएम में भी काफी इंजन की साउंड आ रही थी कैबिन में। तो यहां से लेते हैं टर्न और इस बार 0-60 करते हैं इसका एसी बंद करके। तो एसी जो है बंद कर देते हैं, एसी बंद हो गया है। ये हमने फर्स्ट गियर डाला दोबारा से, 3-2-1। 4000 आरपीएम पे सेकंड गियर और गियर जो है अटक रहे हैं डलते टाइम पे गाड़ी के। गाड़ी जो है 60 क्रॉस कर चुकी है, फिलहाल एसी बंद है, बिल्कुल हल्का सा पावर में इंक्रीज हुआ है, बाकी चल वैसे ही हुई है। और गाड़ी फिलहाल 80 पे टच चल रही है
और बॉडी वॉल गाड़ी में नहीं है, काफी स्टेबल चल रही है। और जैसे कि हमने ब्रेक मारना चालू किया, हैंडल ऐसे ऐसे हिल रहा है इसका, जैसे कि आपने देखा अभी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेकंड हैंड युवा लेना चाहते हैं और आपको सस्ती गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी गाड़ी में कोई पावर में पंच वगैरह कोई खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पिकअप है। और बॉडी रोल गाड़ी में नहीं है, एसी जो है वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है गाड़ी का। तो फ्रेंड्स, इतनी ही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ये रही अपनी धन्नो।